नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, स्क्वायर रूट, जिसमें दो चीजें होंगी, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। वर्गमूल किसी संख्या का, तो वर्गमूल में पहले दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे किसी संख्या को उसी संख्या से यदि एक बार गुणा कर दें और वही संख्या प्राप्त हो जाए तो इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे दोस्तों देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 144, 144 को अगर हम तोड़ेंगे तो 12 × 12 लिख सकते हैं, इसमें से 12 बाहर आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन नॉन परफेक्ट में क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए और वही संख्या प्राप्त ना हो, मतलब x प्राप्त नहीं होगा, जैसे हम यहां देखते हैं 17, जैसे यहां 17 दिया है, 17 का अगर हम तोड़ेंगे तो कंप्लीट रूप से ये नहीं टूटेगा, तो यहां पर देखिए पेयर नहीं बन पाएगा, तो यहां पर 4.123 आएगा। जैसे हम और भी निकाल ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लेंगे y इज इक्वल टू हमने कर दिया 3, तो दोस्तों जब इसको हम 3 करेंगे तो ये क्या हो गई, जब हमारा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, इसको हम करणी भी कहते हैं, इसको हम करणी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, ये जो हमारा 3 है इसकी वैल्यू 1.732 लगभग आएगी, क्लियर, ये कभी भी परफेक्ट में नहीं आएगी, जब भी आएगी दशमलव में आएगी। तो दोस्तों अब मैं इसका अंतर आपको समझाऊंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है या कोई संख्या दी गई है तो वो संख्या परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, ये मैं आपको पहले समझा दूं, इसके बाद में दोनों की आपको विधि बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि कोई संख्या परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, आप कैसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक से लेकर के 10 तक के वर्ग निकालने हैं, वर्ग सभी को पता होता है, और दोस्तों जितना बड़ा वर्ग पता होगा उतना बड़ा आप वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मेरे वर्गमूल वाला जो मैंने वर्ग वाला वीडियो है उसको डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए अगर हमने यहां से किया तो ये चीजें आई, तो जरा ध्यान से देखना कि यहां पर जो लास्ट डिजिट है वो मैच कर रहा है, यहां 0 हो गया, यहां से अगर हम देखेंगे तो लास्ट डिजिट यहां 1 से मैच कर रहा है, यहां से चलेंगे तो ये लास्ट 4 से कर रहा है, और यहां से चलेंगे तो ये 9 से कर रहा है, और यहां से चलेंगे तो यहां से ये 6 पे कर रहा है, और 5 हमारा सिंगल बच गया। तो कहने का मतलब है कि अब हमें इसमें चार चीजें नहीं आई, चार चीजें इकाई अंक में नहीं आई, वो चार कौन कौन सी थी, 2, 3, 2, 3, 7, 8। अगर इकाई अंक कभी भी करणी के अंदर जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 किसी में से कुछ भी आए, कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता, वो सदैव नॉन परफेक्ट ही होगा। देख लीजिए, द यूनिट डिजिट शुड नॉट बी आइदर ऑफ दीज, कभी भी वो नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, यहां देखिए एग्जांपल लिखा है कि अब इसमें हमको चेक करके बताना है कि ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। तो यहां देखेंगे 6, 7, 8, तो इकाई अंक दोस्तों यहां पर कितना है, 8, और जब इकाई अंक कभी 8 आ जाए तो ये क्या होता है, नॉन परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, कभी आप इसका कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते। अब आइए देखते हैं दूसरा, जैसे कि दूसरी कंडीशन और क्या है इसको चेक करने के लिए, कि अगर डिजिट सम ऑफ डिजिट रूट शुड बाइदर ऑफ दीज, कहने का मतलब है जो भी संख्या रूट के अंदर दी गई है उन सभी संख्याओं का योग या तो 1 आ जाए या 7 आ जाए या 4 आ जाए या 9 आ जाए तो वो संख्या हमारी स्क्वायर रूट होगी,
देखो ऐसे एग्जांपल ये लिखा है, किसको चेक करना है कि 25 है, आपको लग भी रहा है लेकिन हम चेक करते हैं 25, तो इसको हम क्या करेंगे 2 प्लस 5 करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा 7, तो 7 यहां पर दिया है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगी परफेक्ट, ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी परफेक्ट, इसका आप निकाल सकते हैं। और परफेक्ट का मतलब है इसका जो 25 है कितना आएगा 25 यानी कितना हो जाएगा 5। अब दोस्तों नीचे देखते हैं, थोड़ी और बड़ी संख्या देखते हैं, अगर हमें ये दिया है तो सबसे पहले यहां देखिए लास्ट में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को जोड़ना है, तो यहीं से मैं जोड़ देता हूं 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, तो आप देखिए अगर हम इसको करेंगे तो 5 5 10 5 5 10 10 6 16 16 17 18 19 19 और 6 19 6, अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा 25, 19 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 आ गया तो 25 को फिर से जोड़ना है, तो फिर से जोड़ेंगे तो 2 प्लस 5 यानी कि टोटल कितना हो गया 7 हो गया। अब ये 7 आ गया ऐड, तो ये 7 इसमें मैच करता है, इसका मतलब है ये संख्या भी क्या होगी दोस्तों परफेक्ट, ये भी कंप्लीट रूट, इसका भी आप कंप्लीट रूट निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं चेक करके कि ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, रूल पहला देखते हैं, रूल पहला नहीं लग रहा है कहीं पर, 2 3 नहीं है, 5 है। अब हम चेक करते हैं दूसरे सेकंड रूल पे, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, इन सभी संख्याओं का योग अगर कर दें और उन योग करने के बाद यदि ये संख्या लास्ट में आती है तो वो परफेक्ट होगा, अगर ये नहीं आता है तो परफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों इसको सबको जोड़ देते हैं, सीधे में जोड़ता हूं, ऐसे बार बार नहीं कर रहा हूं, यहां पर 5 5 10 10 5 15 15 और ये 20 20 और 10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 45 46, इसका टोटल आंसर आएगा 46। अब इस 46 को फिर से जोड़ना है, और 46 को फिर से जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, 10 को दोस्त फिर से जोड़ना है तो 10 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी कि 1 आया है और 1 इसमें मैच करता है, इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारी परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, बट ये वाली हमारी नॉन परफेक्ट है। तो दोस्तों अब मैं आपको और चेक करके दिखाता हूं कि कभी भी जो यहां ऊपर होगा वो नीचे होगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं और कुछ एग्जांपल उठाता हूं उनको दोस्तों, मैं इसका एक एग्जांपल एक दिखाता हूं। सबसे पहले अगर यहां पे लिखा है 361, तो पहला मेरा टारगेट होगा ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट, तो इसको चेक करते हैं परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट। 3 प्लस 6 प्लस 1 इसको देखेंगे तो 6 3 9 1 10, अब 10 को फिर करेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। और सेकंड रूल हमारा क्या कहता था कि यदि दी गई करणियों के अंदर सभी का योग यदि 1 हो जाए तो वो संख्या क्या होगी परफेक्ट रूट होगी। तो ये कंप्लीट रूट है, अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो निकालने का मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं, देखिए 361 लिख लेंगे और इसको पीछे से हमेशा ऑलवेज पीछे से 2 अंक या पेयर ले लेंगे। अब उस पेयर को हम क्या करेंगे कि इस पेयर में देखेंगे कि लास्ट हमारा कितना है 1 है, तो 1 कहां कहां पे आया है, 1 हमारा 1 8 पर आया है तो 1 हो गया, और 1 हमारा 9 नंबर 81 पर हमारा कितना आया है 9 पर आया है। अब हम ये जो अंक बचा इसको ये देखेंगे कि ये अंक हमारा कहां पर लाइक करता है, किस जगह लाइक करता है, तो दोस्तों इसको चेक करेंगे, ये देखो ये हमारा 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में लाइक करेगा, स्क्वायर के बीच में लाइक करेगा। तो अब ये हमने कर दिया, ये तो कंडीशन तय हो गई कि जो भी वैल्यू आएगी हमेशा ऑलवेज आपको ये फर्स्ट अंक लेना है या छोटा मान लेके चलना है। तो यहां देखेंगे इनका फिर हम गुणा करेंगे और इनका गुणा आएगा 2। अब हम यहां पर इस संख्या का और इस संख्या का तुलना करेंगे कि ये बताइए कि यहां से तो हमने ले लिया ऑलवेज 1, इसी को लेना है हमेशा। अब यहां ये देखना है कि इसमें से कौन सा अंक आएगा, तो दोस्तों ये बताओ कि तीन बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो यहां पर 3 बड़ा है तो इसमें बड़ा मान लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 19 का हो गया। अब हम इसी को देख लेते हैं एक सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल पहले हम चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। तो दोस्तों यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9,
तो यहां पर देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, तो यहां पर 13, अब 13 को फिर करेंगे तो 1 + 3 = 4, और सेकंड रूल में हमारा क्या आता था, अगर दोस्तों 4 है तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट रूट होगा, इसका कंप्लीट रूट निकाला जा सकता है। तो देखिए कैसे, पीछे से चलेंगे, एक हम पेयर बनाएंगे, 9 दोस्तों कहां कहां पे आता है वो देखेंगे, 9 एक हमारा 3 के स्क्वायर पे आता है तो यहां पर हमने 3 ले लिया, और एक हमारा 9 दोस्तों 7 पर आता है, हमने 7 ले लिया। अब जो हमारा अंक बचा इसको हम ये देखेंगे कि ये किस रेंज में आता है या किसके कहां पर लाइक करता है, तो 22 दोस्तों देखो यहां कहीं लाइक करेगा तो ये हमारा 4 का होगा और ये 5 का होगा, तो ये तो कंफर्म है कि हमेशा 4 ही आएगा, या तो इसका आंसर 43 आएगा या इसका आंसर 47 आएगा, ये तो कंफर्म अभी हो गया। लेकिन अब इसमें से कौन अंक लेंगे ये चेक करने के लिए इनका दोस्तों हम गुणा करते हैं, तो 5 को कितना हो गया 20। अब इस संख्या का और इस संख्या का कंपैरिजन करते हैं, अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा मान लेते हैं, अगर ये संख्या छोटी है तो छोटा मान लेते हैं, तो यहां पर हमने 4 रख दिया। अब यहां से देखिए कि 20 से 22 बड़ा है ना, तो इसमें बड़ा कौन है, 47, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, देखिए दोस्तों एक मैं एग्जांपल और थोड़ा बड़ा लेता हूं, इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले ये आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, पीछे से पेयर बना लेना है 2 अंकों का, और इधर जो बचा उधर अलग कर लेंगे। अब ये बताओ कि लास्ट में जो 9 है वो 9 कहां कहां पे आता है, तो लास्ट में यहां पर देखिए एक 3 पे आता है, एक हमारा 3 पे आता है, और एक यहां 7 पे आता है, तो एक हमने 3 ले लिया, एक 7 ले लिया। अब देखेंगे कि ये 39 कहां पर लाइक करेगा या किस किस के बीच में आएगा, तो 39 यहां देखें कि ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो यहां पर अगर हम चलें तो एक हमारी वैल्यू 6 होगी और एक हमारी वैल्यू 7 होगी, इसके स्क्वायर के बीच में ये अंक आएगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोस्तों ये जो 6 है या तो एक अंक हमारा 63 या तो ये होगा या एक अंक हमारा 67 होगा। लेकिन अब इन दोनों में से होगा कौन, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ये देखते हैं कि इसके मिडिल में एक आएगा 65। अब 65 का अगर हम वर्ग कर ले तो 65 का वर्ग यहां पे करते हैं तो ये 25 कर देते हैं, और 6 के बाद जो नेक्स्ट अंक आता है तो 7 आएगा, तो 7 छन कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि ये संख्या हमारी इस संख्या से तुलना करते हैं, टोटल से तुलना करते हैं पूरी से, तो ये बताइए संख्या छोटी है ना, इस संख्या से ये पूरी संख्या हमारी छोटी है, तो इसमें से कौन सा मान लेंगे, छोटा या इसमें से छोटी वैल्यू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 63। अब एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, देखिए दोस्तों मैं एक थोड़ा सा और बड़ा अंक लेता हूं, जैसे हमने यहां पर कर दिया, तो सबसे पहले हमको पेयर लेना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है, तो यहां पर 8 + 8 = 16 + 16 = 17 + 18 = 19, टोटल 19 आया, और इसको फिर जोड़ेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसमें क्या होता था सेकंड रूल में दोस्तों, 1 4 7 9, तो 1 है, इसका मतलब है ये संख्या परफेक्ट रूट है, इसका परफेक्ट रूट निकलेगा। तो देखिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो को लास्ट में ले लीजिए, इधर जो संख्या बची है उसको ले लीजिए। अब यहां पर बताइए हमें कि 1 कहां कहां पे आता है, एक हमें 1 के स्क्वायर पर आता है, और दोस्तों एक हमारे 9 पर आता है, एक हमारा 9 पर आता है। अब जो ये संख्या बची है कहां पर लाइक करेगी वो देख लेते हैं, तो यहां से ध्यान से देखिए कि 10 के बाद अगर हम यहां पर 11 कभी कर दें तो 11 से 121 होगा, तो दोस्तों ये 10 और 11 के बीच में लाइक करेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 और 11 के बीच में लाइक करेगा। अब हम ये जानते हैं कि दोस्तों जब भी होगा इसी अंक को लेना है, तो एक तो हमारा या तो 101 होगा या इसका आंसर दोस्तों 109 होगा। अब ये चेक करना है कि 109 होता क्या है, कौन सा इसमें होगा, तो इसके बीच में एक वैल्यू आएगी दोस्तों 105 का होल स्क्वायर, तो इसको जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 525। अब 10 के बाद अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट अंक, 10 × 11 तो ये क्या हो जाएगा 110, तो यहाँ पे 110। अब इसकी तुलना इस पूरी संख्या से करेंगे तो दोस्तों देखिए ये संख्या क्या है, ये संख्या बड़ी है ना,
ये संख्या इससे बड़ी है तो इसमें से बड़ा मान लेंगे, और बड़ा मान कौन सा हो जाएगा ये, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नॉन परफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो नॉन परफेक्ट के लिए देख लीजिए एक बहुत ही सुपर ट्रिक बताने वाला हूं। कोई भी नॉन परफेक्ट होगा आपका 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, उसको देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बताता हूं, अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट है, मैं आपको ऊपर चेक करना बता चुका हूं कि कैसे चेक करते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है, अंडर रूट एक्स जो हमको निकालना है जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट ऑफ नियरेस्ट लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो वैल्यू आपको दी गई है उससे लोवेस्ट में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस एक्स माइनस परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो दी गई है अपॉन 2 इंटू अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए चेक करते हैं एग्जांपल, जैसे अंडर रूट 7 ले लेते हैं, तो अंडर रूट 7 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ नियरेस्ट लोवेस्ट, 7 के पहले आपको क्या पता है दोस्तों, अंडर रूट 4 पता है, प्लस उधर चलेंगे x की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस परफेक्ट की वैल्यू कितनी है 4 है जो आपने परफेक्ट संख्या रखी हुई है, अपॉन नीचे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, और यहां पर देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को मान कर लेंगे ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, ऊपर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा यहां से 3 बचेगा, और नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहां से हम चलेंगे तो 2 प्लस, ऊपर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, और इसका अगर हम भाग देंगे तो ये 2.6 के समथिंग आएगा, यही हमारा इसका आंसर हो गया। हो गया, देखिए दोस्तों बोले देखिए इसमें एक में 11 का और बताता हूं दोस्तों, 11 में क्या है नियरेस्ट स्क्वायर, तो नियरेस्ट में कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 का पता है, और यहां पर प्लस देखेंगे x की वैल्यू कितनी है यहां पे 11, तो 11 माइनस परफेक्ट में कितना लिए हैं 9 लिए हैं, यहां पर देखेंगे 2 इंटू अंडर रूट कितना है 9, इसी को हल कर लीजिए, यहां पर हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 का दोस्तों देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस, ऊपर चलेंगे 9 2 11 अपान यहां पर 3 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको जो हम काटेंगे 3 प्लस 1/3, और अब इसको अगर हम भाग दे देंगे तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा 3.3 अगर हम 1 में कर देंगे डिवाइड करेंगे पॉइंट जाएगा 3 दूना 3.2 के लगभग समथिंग इतना आएगा।